टेम्परेचर हो रहा है -42। जमीन के अंदर है हम लोग, कैन यू बिलीव, जमीन के अंदर है और जमीन के अंदर सब कुछ बर्फ ही बर्फ है यार। भाई लो रेस्टोरेंट में आ रहे भाई, हम लोग इंडियन स्नैक्स खिला रहे हैं। हम खाना खा रहे थे और जितने भी लोग थे हमारे साथ फूड सेक्शन में, सारे लोग हमने भुजिया खिलाए भाई आज। वेलकम टू माय चैनल एवरीवन, माय नेम विष्णु और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल वॉन्डरिंग मैनियक। भाई अभी फिलहाल हम लोग यहाँ से रेडी होकर अभी निकल रहे हैं सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। जब भी आप लोग यहाँ पे यकूच में घर से बाहर निकलते हो तो भाई कुछ अराउंड आधा घंटा लग जाता है आपको पूरा तैयार होने के लिए। तो लिटरली देख सकते हो भाई आप लोग, अभी हमने ग्लव्स पहना हुआ है, यहाँ पे एक जैकेट है अंदर, उसके अंदर एक फ्लीस है और ये तो बस एक ही लेयर पहन रहा हूँ मैं। यूजुअली लोग अगर ज़्यादा लंबा रहते हैं तो फिर और लेयर पहनते हैं। एक ग्लव्स पहना हुआ है, एक जैकेट पहना हुआ है, उसके अंदर एक फ्लीस पहना हुआ है, एक पैंट पहना हुआ है उसके अंदर, और एक अंदर मोटा वाला पैंट पहना हुआ है जो मैंने मंगोलिया में पहना था, तीन सॉक्स पहना हुआ है और एक मेरा ये जूता देख सकते हो, ये जूता। हाँ जी अभी बाहर चलते हैं भाई, यहाँ पर और रहा नहीं जा रहा मेरे से, नहीं तो भाई यहीं पर पूरा पसीने में गीला हो जाऊँगा मैं। अरे भाई साहब ये हमारे होस्ट हैं शाशा। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो ये सारे यहाँ पे पार्किंग स्पेस होती है जो नॉर्मली हीटेड होती है, इसके अंदर काफ़ी हीट जनरेट करते हैं लोग और इसके अंदर यूजली गाड़ी पार्क करते हैं लोग जिनको अपनी गाड़ियों को जमाने से बचाना है। और वहाँ पे देख सकते हो पाइप पूरा बर्फ़ ही बर्फ है भाई, जम चुका है भाई पूरा। आज लकीली भाई टेम्परेचर जो है थोड़ा कम है, थोड़ा मतलब क्या, -40 -40 से 42 के बीच में है, बट प्रॉब्लम क्या है कि आज विंडी है तो आज ज़्यादा ठंड लग रही है भाई। देखते हैं भाई क्या सर्वाइव करते हैं, बट बाकी का यकूच में देख लो भाई ऐसे बस स्टॉप होते हैं। तो भाई ये है यकूच में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रिक तार है भाई। तो भाई हमारे इंडिया में होता है ना कि धूल पड़ जाती है तार में और धूल पड़ पड़ के मतलब जैसा हो जाता है हर जगह, मतलब यहाँ पे भी ये वाला देख लो भाई, ये वाला, ये तो भाई पूरा क्या बताऊँ मैं, पूरा झुंड में है तार। बट सही बताऊँ तो गाइस अभी रशिया में कुछ अराउंड आई थिंक हम मंगोलिया से आए थे और इतना महंगा हो गया भाई रशिया अभी सैंक्शंस के बाद, क्या बताएं भाई। सही बता रहा हूँ, पानी की ऐसा खर्च हो गया है पैसा यहाँ पे, बेसिक चीज़ों की प्राइस बताऊँ। पानी हमने कुछ आई थिंक जब हम लोग मंगोलिया से आ रहे थे तब हमने ख़रीदा था कुछ 50 रूबल का छोटा सा बॉटल लिया है हम लोग ने, और वो भी नॉर्मल दुकान से, सुपर मार्केट से भी नहीं। 50 रूबल कितना मतलब 60 रुपये का कुछ, 60 रुपीज़ का कुछ अराउंड छोटा सा पानी का बॉटल। तो मुझे पता नहीं भाई रशिया तो पहले वैसे ही पहले थोड़ा महंगा था बट अभी सैंक्शंस के बाद कुछ ज़्यादा ही महंगा हो चुका है, खाना ले लो और ट्रांसपोर्टेशन ले लो। ओह तो हमारी बस है, देखो भाई शाशा भाग रहे बट हमको लगता है हम पकड़ नहीं पाएंगे। नो प्रॉब्लम भैया। और यहाँ पे टैक्सी भाई इतनी महंगी होती है टैक्सी, यहाँ पे कुछ अराउंड 3-4 किलोमीटर में भाई आपको 300-400 रूबल ले लेते हैं यहाँ पे, 300-400 मतलब कुछ 500 रुपये 3-4 किलोमीटर के लिए भाई। यहाँ पे भाई एक फिश मार्केट दिख गया, इसके पहले भी दिखाया था आप लोगों को मैंने, ये मछली बेच रहे हैं यहाँ पे, ये मछली है ठीक है, समझ नहीं आ रहा मछली है या पत्थर है। बाहर इतनी टेम्परेचर है कि भाई दुनिया में कोई रेफ्रिजरेटर इतना ठंडा नहीं कर सकता जितना यहाँ पे ओपन एयर में ही ठंडा हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे डॉग देखो यार, अरे बाप रे भाई साहब, मैंने क्या डॉग है यार ही शेट मैन, भाई कितने फर वाला डॉग है यार, पता नहीं यार इसको यहाँ पे सरवाइव करना हो तो ऐसे ही सरवाइव कर पाएगा। बाप रे देखो यार भाई ऐसे भाई ट्रैवल करना होता है, चश्मा देख लो भाई पूरा फॉगी फॉगी हो चुका है और ऐसे चश्मा में ऐसे इतनी ठंड में भाई चश्मा पहना नहीं जाता और कुछ दिखता ही नहीं है भाई। तो नॉर्मली भाई चश्मा उतार के ऐसे ट्रैवल करना होता है और ये मास्क अगर पहनो चश्मा नहीं पहन सकते, तो ये मफलर बहुत ज़रूरी है, इतनी ठंड है अभी अगर ये मफलर नहीं पहनूंगा मुंह वाला तो भाई मुंह जम रहा है पूरा। गाइस फिलहाल अभी हम लोग हैं किंगडम ऑफ परमा फ्रॉस्ट में यहाँ पे यकूच में, तो इसके बारे में अगर आप लोगों को समझा दूँ तो परमा फ्रॉस्ट जो ये एक फिनोमिना है जो यहाँ पे यकूच में आप लोगों को देखने को मिलता है,
परमाफ्रॉस्ट का मतलब ये है कि ज़मीन के अंदर कुछ अराउंड 1000 मीटर तक यहाँ पे बर्फ़ होती है। अभी फिलहाल हम लोग ज़मीन के अंदर है और आप लोग पूरा मेरा माहौल देख सकते हो, यहाँ पे पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है यहाँ पे देख सकते हो। बट भाई हम लोग ज़मीन के अंदर जाके तो देख नहीं सकते भाई कि कैसी है पूरा माहौल। तो यहाँ पे उन्होंने काइंड ऑफ किंगडम ऑफ परमाफ्रॉस्ट करके एक म्यूज़ियम बना कर रखा है। काइंड ऑफ म्यूज़ियम नहीं है ये, ज़मीन के अंदर ही पूरी चीज़ें है ये, जहाँ पे फिलहाल मैं खड़ा हूँ ये भी ज़मीन के अंदर ही है। तो यहाँ पे सारे लोग मतलब काइंड ऑफ मतलब एज ए टूरिस्ट को दिखाने के लिए पूरा यहाँ पे सिस्टम बना कर रखा है। तो ये भाई यहाँ पे माहौल देख सकते हो आप लोग, भाई ज़मीन के अंदर है हम लोग, कैन यू बिलीव, ज़मीन के अंदर है और ज़मीन के अंदर सब कुछ बर्फ़ ही बर्फ़ है यार, क्या माहौल है ये। तो सोच के परेशान हो रहा हूँ कि भाई ऐसे नेचुरली कोई चीज़ कैसे ऐसे हो सकती है। देख सकते हो ये ना, आपको वीडियो में ऐसे देखने में ऐसा लग सकता है कि ये आर्टिफिशियल हो या फिर इन्होंने बनाया हो, दुबई जैसा दुबई में बना कर रखते हैं आर्टिफिशियल चीज़ें। ये नेचुरली सब कुछ बना हुआ है, ऑफकोर्स ये सारे स्टैचूज इन्होंने बनाई होंगी, बट ये आप लोग देख लो यहाँ पर, ये क्रिस्टल स्नो का क्रिस्टल देख लो। हाँ ये मैं तोड़ रहा हूँ, देख सकते हो, ये देखो भाई, ये देखो भाई मैंने बर्फ़ निकाल दी, ऊपर क्रिस्टल है देखो भाई। तो भाई टेम्परेचर हो रहा है -42 और अभी अंदर हम लोग गए थे, अंदर कुछ अराउंड इन्होंने सिस्टम बना कर रखा था कि भाई वहाँ पे टेम्परेचर कम था, बट बाहर भाई -42 हो रहा है। और अभी बज रहे हैं शाम के 5 और पूरा देख सकते हो अंधेरा हो चुका है। यहाँ पे अराउंड 4:20 के अराउंड यहाँ पे भाई अंधेरा होने लगता है, यहाँ पे सनसेट होने लगता है और कुछ अराउंड 5 बजे तक पूरी रात हो जाती है भाई, कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ये था भाई किंगडम ऑफ परमाफ्रॉस्ट, कुछ अराउंड 500 रुपये की यहाँ पे टिकट थी। बट सही बता रहा हूँ, अगर आप लोग आ रहे हो यहाँ पे तो ज़रूर ये वाला प्लेस विजिट कर सकते हो आप लोग, क्योंकि यार इतनी दूर आ रहे हो और ऐसा कुछ माहौल जो आप लोग अंदर देखोगे वो कहीं देखने को नहीं मिलेगा दुनिया भर में। अगर पुराने टाइम पे स्टालिन के अगेंस्ट होने वाले को यहाँ पे सज़ा देने के लिए भेज सकते हैं तो आप लोग समझ सकते हो ये प्लेस कितनी इनह्यूमन हो सकती है। यहाँ मेरे होस्ट बोल रहे हैं कि ये पीछे का रास्ता जा रहा है मिर्नी सिटी करके है, जहाँ पे हीरे मिलते हैं। तो याकूत के बारे में बता दूँ तो याकूत में भाई दुनिया भर के 20% डायमंड यहीं से निकलते हैं भाई। भले ही ये प्लेस इतना इनह्यूमन भले ही हो, यहाँ पे भाई हीरे मिल जाते हैं भाई। बट भाई मैं जब मेरे काउचसर्फिंग होस्ट के घर पे आया था, इन्होंने मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई जो मैं भी सुन के काफ़ी सरप्राइज हो गया था। और इन्होंने ये बताया कि यहाँ पे याकूत में इंडियन लोगों को और इंडियन खाने को बहुत पसंद करते हैं। इन्होंने बोला कि यहाँ पे याकूत में दुनिया के सबसे ठंडे जगह पे, जहाँ पे भाई कोई इंडियन यहाँ पे रहता नहीं है, ना ही कोई काम करता है। ऑफकोर्स काम करने के थोड़े बहुत हो सकते हैं यहाँ पे, कि याकूत में एक इंडियन शॉप है जहाँ पे सारे इंडियन प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अभी मेरे को यहाँ पे लेके आया, देख सकते हो शॉप ऑफ इंडियन आइटम्स गंगा, तो गंगा ये दुकान का नाम है और यहाँ पे इनका इंस्टाग्राम भी दिया हुआ है gang_YKT। तो यहाँ देख लो, जैसे आप लोग यहाँ पे एंटर करते हो, यहाँ पे बुद्धा की पिक्चर है और यहाँ पे गणेश जी की देख सकते हो भाई। ये शॉप एक्चुअली ओन करते हैं एक इंडियन, जिन्होंने यहाँ पे कोई यकूतियन लड़की से शादी करी है, ऐसा मुझे बोल रहे हैं मेरे होस्ट। बाकी का देख सकते हो भाई, यहाँ पे ये सारे चीज़ें बेच रहे हैं, यहाँ पे असम के चाय बेच रहे हैं यहाँ पे। अरे भाई सब क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे हल्दीराम के प्रोडक्ट्स भी है भाई, भेलपूरी, खट्टा मीठा और आलू भुजिया, ये देख लो भाई। अरे भाई साहब मैगी भी है, मैं मैगी खरीद रहा हूँ भाई यहाँ से, मैं मैगी ले रहा हूँ ऐसे, आज मैगी खाने का मन कर रहा है मेरे को, इतने दिन हो गए भाई। और यहाँ पे देख सकते हो, ये देख लो भाई कुछ नारियल पाउडर, कुछ भारत बाजार का ये सारे प्रोडक्ट्स है भाई। यहाँ पे हिमालय के प्रोडक्ट्स देख लो भाई, हिमालय के प्रोडक्ट्स भी है यहाँ पे। सही बता रहा हूँ, इंडियन प्रोडक्ट्स और इंडियन रेस्टोरेंट भाई, ऐसी कोई जगह नहीं है मैंने लिटरली जहाँ पर मैंने देखा नहीं, कम से कम एक या रेस्टोरेंट या फिर एक शॉप तो मिल ही जाता है। यहाँ पर कोई इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है बट इंडियन शॉप मिल गया याकूत में यार, दुनिया का सबसे ठंडे जगह पे, यहाँ पे कौन ही आता है यार। बट यहाँ पे जो इंडियन के लिए प्यार है यहाँ पे रशियन लोगों का, आई थिंक ये वन ऑफ द मेन रीजन है कि यहाँ पे जो इंडियन ओनर है उन्होंने दुकान खोली है। बट सो मोस्ट ऑफ द कस्टमर हियर आर रशियन। तो यहाँ पे मैंने इनको पूछा भाई कि इनके मैक्सिमम कस्टमर रशियन होते हैं, तो इन्होंने बोला कि हाँ भाई। तो भाई यहाँ पे देख लो MDH का मसाले भी मिल रहे हैं भाई, यहाँ पे MDH चंकी चाट मसाला, यहाँ पे मीट मसाला। यहाँ पे हमने एक दो मैगी लिया है और एक आलू भुजिया लिया है। तो दो मैगी का प्राइस है भाई यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, कुछ 130 रूबल, 130 रूबल का ये एक मैगी है भाई। ये इंडिया में 10 रुपये में मिलता है, होता है भाई कुछ अराउंड आई थिंक 150 रुपये, 150 रुपये में एक मैगी। बट कोई नहीं यार, 150 दे के भी अभी यहाँ पे खरीदेंगे हम लोग। और यहाँ पे हल्दीराम 220 रुबल का मिल रहा है, जो कि 220 मतलब अराउंड 250 से 260 रुपये। भाई तो यहाँ पे सैंक्शन के बाद रशिया में कोई भी आपको अमेरिकन ब्रांड मतलब दिखना बहुत ही कम दिखेंगी, और मोस्ट ऑफ द ब्रांड बंद ही हो चुकी है, ऐसे जितने भी अमेरिकन चेन्स थी मैकडॉनल्ड्स वगैरह। बट यहाँ पे हमको बर्गर किंग मिल गया भाई, हम काफ़ी सरप्राइज हो गए।
और यहाँ पे बर्गर किंग खाने के लिए आए हैं यहाँ पे। बाकी मोस्ट ऑफ द ब्रांड जो भी यहाँ पे अमेरिकन था उनका नाम बदल के रशिया में वो लोग तभी भी चला रहे हैं, मतलब कोका कोला अगर होगा तो कोका कोला सेम ही है बट उसका नाम बदल दिया यहाँ पे रशिया में, और वैसे करके यहाँ पे फिर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे भाई हमको थोड़े बहुत लोकल्स मिल गए, बर्गर किंग में खाना खा रहे थे, हमारे पास आ गए। हेलो, व्हाट्स योर नेम? सोनिया। अनुरा। तो ये लोग आए और हमको बोल रहे कि आप लोग ब्लॉगर्स हो, तो हमने बोला हाँ हम लोग ब्लॉगर्स हैं, तो सबसे भाई हमारे साथ फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे हैं लोग। तो भाई यहाँ पे फ़िलहाल मैंने अभी हल्दीराम लिया यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़े बहुत रशियन बच्चे मिल गए थे हमको स्कूल के, तो इनको भाई ट्राई करवाते हैं रशिया में, देखते हैं कि भाई इनको पसंद आता है या फिर नहीं। हु वॉन्ट टू ट्राई फर्स्ट? No. Take little bit. No. Okay. Yes. Okay. Try little bit. Try. Little. Chew. Okay. Give him. How is it? Good? Spicy? Uh-huh. What is it? Muy ostra. Muy ostra. Good? Oh man, this guy. Give everyone. यहाँ भाई लोग रशियन से, यहाँ पे भाई हम लोग इंडियन स्नैक्स खिला रहे हैं, तो Tasha? Good. Osna. Osna. Ostra, not you see? You hot. 50-50 hot. No, hot. Actually, humne hamare. You want that? Sir, fresh juice. Okay. हमने यहाँ पे मेरे होस्ट के पहले ट्राई करवाया था। काश। वेरी गुड। तो इनको भाई रशियन से भाई बाय बाय। बाय बाय। फूड का सिंबल मिल गया हमारे हल्दीराम के लिए, भुजिया के लिए, इंडियन स्नैक्स। हॉट। इंडियन स्नैक्स। लिटिल बिट। है ना। It's you. No, it's вкусно. Оно острое типа. Зубная паста. Give it to this guy. Try. Karasho? Karasho? This guy. Why you have a Sarah Jund Katta Gardi? Oh, Roma. Very good. Okay, bye bye. See you. Bye bye. Yeah, bye later. भाई यहाँ पे पूरा झुंड भाई हमने इकट्ठा कर दिया लोगों का, यहाँ पे लोगों को इतना ज़्यादा पसंद है भाई इंडियंस लोग और स्पेशली ब्लॉगर्स। वेरी नाइस एक्सपीरियंस। हम खाना खा रहे थे और जितने भी लोग थे हमारे साथ फूड सेक्शन में, सारे लोग हमने भुजिया खिलाए भाई आज। सो फाइनली बैक टू माई काउच सर्फिंग होस्ट हाउस, ये वाली बिल्डिंग है भाई, बट फिलहाल अभी रात के भाई कुछ अराउंड 8 बज गए और पूरा भाई धुंधला भाई कुछ नहीं दिख रहा। लिटरली देख सकते हो आप लोग वहाँ पे भाई घर के उस तरफ क्या है वह कुछ दिख ही नहीं रहा, पूरा धुंधला है भाई। समझ ही नहीं आ रहा क्या हालत है अभी। तो भाई ये वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा ये वाला वीडियो। सही बता रहा हूँ गाइस, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रशियन जो मॉल में थे वो लोग इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखा देंगे यार। वो लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे ना, वो लोग स्कूल के बच्चे थे यार, कुछ 7th-8th क्लास के बच्चे थे, और उन्होंने हमारी बातचीत हुई, हमने बताया कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, तो फिर इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गए क्या ही बताएं। बट इट वॉज़ समथिंग विच वॉज़, मैंने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं करा। और हम तो भाई यहाँ पे गए थे इंडियन शॉप में, उसके पहले चीज़ें खरीदने के लिए हमने सोचा ट्राई करवा देते हैं इंडियन स्नैक्स, तो भाई देखते हैं कैसा रहता रिएक्शन। सो दैट वॉज इट फ्रॉम दिस वीडियो का, अगर कुछ पसंद आए इसको लाइक करना, कॉमेंट करना व्यूज़ क्या आपको कैसा लगा, एंड शेयर करना का चैनल। खुश रहिए, अपने आसपास के लोग खुश करिए। नेक्स्ट वीडियो।